दोस्तों नोकिया ने अपनी एक्स सीरीज का एक और स्मार्टफोन X5 लॉन्च कर दिया है, तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ इसी फोन की पूरी डिटेल, प्राइस, स्पेसिफिकेशन और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन, आप देख रहे हैं एन टेक्निकल। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों नोकिया ने अभी कुछ ही दिन पहले अपना X6 लॉन्च किया था चाइना में, और अब चाइना में इन्होंने उतार दिया है X5 को, जो कि अपने प्राइस और डिजाइन के मामले में काफी बेहतर फोन होने वाला है, और ये रेडमी Y2 और रियलमी 1 को एक कड़ी टक्कर देने वाला है अगर टाइम पे नोकिया इसे इंडिया में लॉन्च करता है तो। दोस्तों अगर हम फोन के डिजाइन की बात करें तो आपको एक प्रीमियम क्वालिटी वाला डिजाइन इसमें मिल जाता है। आपको इसमें एक नॉच मिलेगा बिल्कुल आईफोन 10 के जैसा, एक चौड़ा नॉच, और 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला HD+ का डिस्प्ले आपको मिलेगा, जिसका पिक्सल काउंट 720x1520 है, जो कि एक फुल व्यू डिस्प्ले है। और इसके बैक में आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा ग्लास, जो कि फोन की लुक को और प्रीमियम बनाता है। और इसमें आपको मिल जाएगा ड्यूअल वर्टिकल कैमरा, और इसके ठीक नीचे आपको मिल जाएगा फिंगरप्रिंट सेंसर। और कैमरास की बात करें तो प्राइमरी कैमरा आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर काउंट 2.0 है, और सेकेंडरी कैमरा इसमें दिया गया है 5 मेगापिक्सल का, जो कि पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए काम आएगा। दोस्तों इसके सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर काउंट 2.2 है, जिसमें आपको काफी सारे AI फीचर्स भी मिलने वाले हैं। और परफॉर्मेंस के मामले में भी फोन काफी दमदार रहने वाला है, क्योंकि आपको इसमें मिलेगा MediaTek का Helio P60 वाला चिपसेट, जो कि एक दमदार प्रोसेसर है, और GPU आपको मिलने वाला है Mali-K P72। दोस्तों फोन की बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 3060 mAh की बैटरी मिलने वाली है, और Android का 8.1 Oreo लेटेस्ट आपको इस फोन में मिलने वाला है। और इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में आपको स्टॉक एंड्रॉयड इस फोन में देखने को मिलने वाला है, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है नए नए अपडेट्स के लिए। और इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, यानी कि आप एक नैनो सिम और एक मेमोरी कार्ड, या फिर आप दो नैनो सिम यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलने वाला है, तो आपको फास्ट चार्जिंग भी ये फोन सपोर्ट करेगा, जो कि इस बजट में काफी अच्छा काम किया है नोकिया ने। दोस्तों ये फोन आपको दो वेरियंट में मिलने वाला है, एक तो है 3GB RAM 32GB स्टोरेज, जिसका प्राइस चाइना के हिसाब से अगर हम काउंट करते हैं तो 10,000 रुपये बनता है इंडियन करेंसी में। और जो दूसरा वेरिएंट है वो है 4GB RAM 64GB स्टोरेज, जिसका प्राइस 14,000 रुपये निकल के आ रहा है। दोस्तों इसी प्राइस में अगर नोकिया ये फोन इंडिया में लेकर आता है तो बाकी सभी फोन का ये किलर साबित होने वाला है, जैसे कि रेडमी Y2, रियलमी 1 और भी जो ऑनर के 9 Lite वगैरह फोन आते हैं, तो इन सब को ये कड़ा कंपटीशन दे सकता है और एक बहुत ही जबरदस्त डिवाइस हो सकता है। दोस्तों अगर हम देखें 3GB 32GB वाले वेरिएंट को, तो वो एक काफी सुटेबल आपके लिए हो सकता है। अगर हम देखें कि 14,000 में आपको एक HD+ का डिस्प्ले मिलता है, तो वो थोड़ा सा महंगा लगता है प्राइस के हिसाब से। लेकिन दोस्तों अभी ये फोन चाइना में ही लॉन्च हुआ है, इंडिया के लॉन्च की अभी कोई कंफर्मेशन कंपनी की तरफ से नहीं आई है। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये फोन प्राइस और स्पेक्स और डिजाइन के हिसाब से कैसा लगता है। अगर ये फोन इंडिया में आता है तो क्या आप इसे परचेज करेंगे? दोस्तों उम्मीद तो ये की जा रही है कि बहुत जल्द नोकिया कुछ फोन्स इंडिया में लेकर आने वाला है अगस्त के महीने में। तो अगर इससे रिलेटेड और कोई जानकारी निकल के आती है तो मैं अपने चैनल पर जरूर से जरूर उसे अपडेट करूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाइए और शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।